हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ माय किचन। माय हेल्थ माय किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पाव भाजी रेसिपी लेकर आई हूँ। पाव भाजी ऐसे तो बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत बटर डाल के, बहुत ऑयल डाल के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीका से बनाते हैं, मगर मैं बहुत कम बटर और बहुत कम ऑयल डालकर बनाऊंगी और टेस्ट एकदम मार्केट जैसा। मेरे पे यकीन कीजिए और मेरी रेसिपी को देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ कम बटर में, कम तेल में और हेल्दी पाव भाजी, जो एक बीमार आदमी भी खा सकता है और जो ठीक ठाक है वो अगर हेल्दी रहना चाहते हैं वो भी खा सकता है। तो सारी विटामिन्स मौजूद होते हुए पाव भाजी, चलिए मेरे किचन में। मैं चार आलू बड़े बड़े को उबाल के रख ली हूँ। इसको छिल के ग्रेट करूँगी मैं। और हरी सब्जी शिमला मिर्च एक मेरा बड़ा है, अगर आप लोग का छोटा है तो दो पीस, और अपने हिसाब से देख लेंगे कितने आदमी का बनाना है। मैं ये चार पांच आदमी का बन जाएगा इसमें आराम से। और मैं मेरा टमाटर बड़ा है तो मैंने तीन लिया है, अगर छोटे टमाटर है तो आप चार लेंगे। प्याज मैं एक ली हूँ और मैं एक स्पेशल डालती हूँ ये घिया, थोड़ा सा 1 इंच अगर डालेंगे ना तो इसका टेस्ट अलग आएगा और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आएगा, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ 1 इंच। ये बहुत ही अलग टेस्ट आता है इससे डालने से और लसीलापन भी निकलता है उसमें से, तो पाव भाजी एकदम मस्त बनता है। ये है बीन्स, बीन्स को मैं अभी धो के साफ़ करके काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। धनिया का पत्ता बीट कलर के लिए, मैं बाहर से कोई कलर नहीं डालूंगी, इससे मेरा कलर आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बीट भी डालना है, इतना नहीं, थोड़ा सा मैं काट के डालूंगी। कुछ हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार, जितना आपको तीखा रखना है, थोड़ी सी जिंजर और थोड़ी सी गार्लिक, मतलब कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं सब अभी तैयार करके फिर से आपको दिखाऊं। मसाले में पाव भाजी मसाला बाहर से लेती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ मसाले में उतना फ्लेवर नहीं आता है, तो मैं बाहर का ही डालती हूँ, जिससे बहुत इजी भी रहता है और टेस्ट भी आ जाता है। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा देगी मिर्च डालूंगी ताकि कलर आ जाए, कलर अच्छा आ जाए। और लाल मिर्च कुटा हुआ, धनिया, हल्दी, जो घर में सबके घर में होता है किचन में, वो मैं थोड़ा सा डालूंगी और उसी से एकदम मस्त बनेगा। लोहे की कढ़ाई या तवा में बनाऊंगी कि ताकि वो फ्लेवर आए जो स्ट्रीट फूड में हम लोग को मिलता है। फिर आप बना के खाएंगे ना तो बाहर से अच्छा टेस्ट घर में मिलेगा, फिर सब आप लोग पसंद से खाएंगे। एक बार आप बना के देखेंगे मेरे तरीक़ा से तो काफ़ी अच्छा बनेगा। इस तरह से मैं सारी सब्जियों को काट ली हूँ एक साथ। ये देखिए, टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है, पीसा नहीं है मिक्सी में, ग्रेट करना है। बारीक शिमला मिर्च मैं काटी हूँ और ये मटर है, और प्याज को भी मैं बारीक बारीक, बहुत बारीक, मतलब कि ऐसा काट लेंगे आप लोग भी। और ये है लहसुन का, मैं ग्रेट नहीं करके डालना है, ये लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट बनाई हूँ मिक्सी में डाल के। अब मैं आलू को छीलूँगी तरह से। आलू मैं छील ली हूँ, अब मैं इसे ग्रेट करूंगी। इस तरीका से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। बहुत बाजार में तो बहुत सारे बटर डालते हैं, तो वो फिर बच्चों के लिए ठीक है मगर बड़ों के लिए ठीक नहीं होता है, वो हेल्दी नहीं होता है। और मेरा किचन तो हेल्दी ही है, तो मैं हमेशा रेसिपी ऐसा डालूंगी जो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा हो और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे, एकदम मार्केट के तरह, बाजार के तरह। सारे आलू को मैं इसी तरह से कर लूँगी। ये मैं कुकर चढ़ाई हुई हूँ, गर्म हो चुका है। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालती हूँ 1 चम्मच के बराबर, 1 चम्मच। आपको जो भी तेल लगे, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, या बटर डालना चाहते हैं तो बटर भी डाल सकते हैं, मगर मैं ऑलिव ऑयल में ही बनाऊंगी या थोड़ा सा बटर डालूंगी लास्ट में। तो ये हो गया आपका, देखिए बहुत कम तेल डालना है। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे अंदाज से अपना, और पाव भाजी मसाला डालेंगे, और धनिया पाउडर डालेंगे।
इसको मैं इसमें चला लूंगी ऐसे। और इस तरह से सारी सब्जियां, बीन्स, गाजर, गोभी, जो भी आपको लेना है, मैं तो घिया डालती हूँ, इससे काफी अच्छा टेस्ट भी आता है और लसलसापन एक आता है, तो ये जरूर आप डालें सारी सब्जियों को। ले ले इस तरह से मिक्स करना है और पकने भर थोड़ी सी इसमें पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे आप पानी, क्योंकि सब्जी का खुद ही पानी छूटेगा। और हल्का सा नमक और एक सीटी मैं इसको लगा दूंगी, दो सीटी भी आप लगा सकते हैं ताकि वो सब्जियां अच्छे से गल जाए। कम करके मीडियम फ्लेम में आप इसको दो सीटी लगा दीजिए। इस तरह से कुकर ठंडा हो गया है और ये देखिए सब्जी सारे पक गए हैं। इसको गरम गरम में ही ऐसे मसल लेना है। यह सब्जी का बहुत अच्छा महक आ रहा है। पाव भाजी का मसाला मैं पहले ही डाल देती हूँ सब्जी में कि वो एक एक अंदर घुस जाए, और फिर वो बनाने में ना इतना टेस्टी बनता है ये कि एकदम खाने में मज़ा आ जाएगा, एकदम लगेगा ही नहीं कि आप घर का बना हुआ खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कुकर में इसको मसाला डाल के उबालती हूँ। मैं एक लोहे का कढ़ाई ली हूँ बड़ा सा, और लोहे की कढ़ाई में पाव भाजी बनाने का ना अलग ही मज़ा आता है। बाहर में भी देखेंगे आप लोग कि लोहे का ही तवा पे बनता है, तो तवा उतना बड़ा नहीं था तो मैं ये फ्राई पैन ले ली हूँ। अगर आपके पास तवा है तो तवा में भी बना सकते हैं, और अगर लोहे की कढ़ाई है तो उसमें भी बन सकता है, फ्राई पैन है तो उसमें भी बन सकता है, मगर लोहा का ही लीजिएगा क्योंकि उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लोहे का, और उसमें आयरन भी चला जाएगा, हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा बिल्कुल मार्केट की तरह। ये गर्म हो गया है तो मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे जो भी आपको पसंद होगा, सरसों तेल नहीं डालेंगे इसमें। और ये मैं बटर, पाव भाजी है थोड़ा सा बटर का टेस्ट तो होना ही चाहिए। ये बटर को ज़्यादा नहीं गर्म करना है, उसी में हरी मिर्च डाल देना है। ये हरी मिर्च हल्का सा भून लेना है, उसके बाद जो मैं प्याज बारीक काटी हूँ ना उसको डालूंगी, और इसको इस तरह से, और एक तरफ मैं पानी गरम करने के लिए रख दी हूँ, इसको गरम कर चुकी हूँ, और इसको गरम पानी मैं इसमें डालूंगी। ठंडा पानी पाव भाजी में बिल्कुल ना आप लोग भी डालें क्योंकि उससे टेस्ट खराब हो जाता है, तो गरम पानी बीच में जब भी मैं बताऊंगी गरम पानी थोड़ा थोड़ा कब डालना है। प्याज को इस तरह से भूनते रहिए, और इतना कम तेल में इतना स्वादिष्ट बनेगा ये, और जब भी गेस्ट आए ना आप जरूर बना के खिलाइए। मैं हमेशा कोई भी घर में आता है ना तो मैं इसको बनाती हूँ, तो लोग हमेशा ताजुब करते हैं कि इतना कम तेल और बटर में आप बनाए हो और इतना टेस्टी, तो आप लोग भी बना के खिलाएं, बिना तारीफ किए कोई लोग नहीं जाएगा आपके घर से। देखिए पाव भाजी तो बहुत लोग बनाता है मगर इतने इतने बटर डाल देते हैं ना तो वो अनहेल्दी हो जाता है, तो मेरा तो एक ही मिशन है कम तेल कम मसाला में टेस्टी खाना कैसे बने, तो वही आज मैं दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे मैं बनाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है कम तेल तो आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। ग्राइंड किया हुआ टमाटर है उसको मैं अब डालूंगी, और इसी में मैं पाव भाजी मसाला दो चम्मच, थोड़ा सा मैं उसमें सब्जी में बॉईल करने के टाइम में डाली थी, और दो चम्मच मैं अभी डाल रही हूँ। अगर आपका क्वांटिटी कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से मसाला कर लेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, हल्का सा छोटा सा चम्मच, अब इसको मिक्स करेंगे। और टमाटर गया है तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना बनता है ताकि वो गल जाए अच्छे से, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
इस तरह से देखिए मसाला हाफ भून चुका है और पानी भी सूख गया है। तो यही ट्रिक है कि बाजार का टेस्ट कैसे आए। तो मैं ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाई ना उसको मैं इसमें डालूंगी इस तरह से। और ये फिर इसको भुनना है और अब ये बहुत टेस्टी बनेगा। और आपका जो आयरन के इसमें बन रहा है ना, इसका तो बस अलग बात ही है। तो कभी भी आप लोग ना अगर इसको बनाना है तो आयरन का ही बर्तन लेंगे, नॉन स्टिक में नहीं बनाना है, तभी ये बाहर जैसा टेस्ट आएगा। क्योंकि बाहर में आप लोग देखते हैं ना कि ठेले पे तवा पे ही बनाता है, मोटे मोटे तवा होते हैं उसी पे पाव भाजी भुनता रहता है वो लोग। बहुत अच्छा लगता है ये, उसी तरह का घर में कैसे टेस्ट आए और हेल्दी भी रहे। क्योंकि बाहर में ना सब्जियाँ इतना ताज़ा रहता है और ऑयल बटर क्या डालते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, बस टेस्ट के लिए लोग खाते रहते हैं। अपने हाथों से बनाए घर में, और जो मतलब कि बीमार है, जो मतलब कि खाना चाह रहे हैं, तो कम से कम तेल डाल के उनका भी तृप्ति हो जाए कि भाई हम पाव भाजी खा रहे हैं और हेल्दी पाव भाजी। तो इस तरह से बनाएं दोस्तों। अगर आप बटर थोड़ा सा भी डालेंगे ना टेस्ट आ जाएगा, अगर बटर नहीं है तो घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए लहसुन और अदरक डाल के मैं और भून ली हूँ। इसके साथ मैं अब थोड़ा मटर डालूंगा। मटर को भी यही दूसरा ट्रिक है कि मटर भी मुंह में आना चाहिए। मैं उसको दबा के ये नहीं करती हूँ, बाद में करूँगी हल्का हल्का, और ताकि मटर का भी फ्लेवर आपको पता चले मुंह में। तो मैं मटर को उबाली नहीं हूँ, ये फ्रोजन मटर है, इसी तरह गल जाएगा वो। और अब इसको भुनाई करना है। मैं मसाले को मटर के साथ भून ली हूँ और अब मैं इसमें सब्जी जो उबाली थी ना इसको डालूंगी। अब मैं ये पानी उबाल के रखी हूँ, इसको कुकर में डालूंगी थोड़ा सा और इसको धोकर इसमें डाल दूंगी। सारे सब्जियों को मिक्स कर लेना है और इसमें ना मटर आपको दिखता रहेगा, बहुत टेस्टी बनता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं मटर और शिमला मिर्च बारीक काट के रख लेती हूँ और उसका मतलब कि टेस्ट भी आना चाहिए और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। और लाजवाब, कोई भी आपके घर से खा के जाएगा ना तो इतना तारीफ़ करेगा ना कि एक बार दोस्त बना के देखिए इसे। इस तरह से ये मिक्स करना है, फिर इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डालना है। अब इसमें सारे मिक्स करके पकाना है। और ये रहा शिमला मिर्च जो मैं काट के रखी थी, इसको भी अब डालना है और इसको अब मिक्स करना है। अगर लगेगा कि गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा बॉयल पानी ही डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। इसको तेज आंच पे मिक्स करना है। अलग तरह का ही पाव भाजी ये बनेगा। इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना तो एकदम अलग ही बनेगा, और जो भी खाएगा तो ज़रूर आपसे पूछेगा कि आपने कैसे बनाया, क्योंकि ये बाज़ार से भी अलग टेस्ट आता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल लगेगा कि वाह, खा के मज़ा आ जाएगा। ये बहुत अभी गाढ़ा है तो मैं इसमें और गर्म पानी डालूँगी, पूरा अच्छा से इसको पतला करना है, पकाना है चलाते चलाते। मिर्च का भी टेस्ट आएगा, सारी सब्जियां का टेस्ट आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको भूनी नहीं और हेल्दी भी रहेगा। इसमें टेस्ट कर लेंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे, जो भी। और इसी तरह से मिक्स कर कर के पकाते रहेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट इसको। अब ये बनकर तैयार हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी
आप अपना अनुसार देख लेंगे, अगर ज़्यादा खट्टा चाहिए तो ज़्यादा नींबू डालना है और नहीं तो थोड़ा डालना है, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी खट्टा था तो उससे खट्टापन आ गया है। और नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अब ये बनकर तैयार हो गया है। बीच बीच में शिमला मिर्च का जायका ना मुँह में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम बहुत मस्त। एक मैं आयरन का तवा रखी हूँ, उसको गरम कर रही हूँ। अगर गरम हो जाए तो आप इस पर थोड़ा सा बटर ऐसे फैला लेंगे। और पाव भाजी है तो थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए इस तरह से कर रही हूँ, अगर बड़े हैं तो वो इस तरह से भी हल्का सा सेक के खा सकते हैं। मैं इसमें एक चिली सॉस इसको डालूँगी ऐसे, इससे ब्रेड भी काफ़ी अच्छा लगेगा, सादा सादा नहीं लगेगा। और मैं इस पे पाव भाजी मसाला भी थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा इस पे धनिया, अब इस तरह से ब्रेड को इस पे रख देना है। ब्रेड में अपने आप बहुत सारे फ्लेवर आ जाएंगे, तो मस्त लगेगा पाव भाजी के साथ। से आप ब्रेड को सेक लें। बनकर तैयार हो गया है। देखिए भाजी का एकदम कलर भी आ गया है और ब्रेड को भी मैं इस तरह से करी हूँ। प्याज है और मिर्ची है। अगर जो लोग बीमार हैं या हेल्दी रहना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगी कि ऐसे खाएं कि ये नुकसान भी ना करें। सबसे पहले एक बाउल सलाद काट ले और उसको खाएं। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हो तो आप अगर ब्रेड नहीं खा सकते हैं तो मैं देखिए रागी और वीट का रोटी बनाई हूँ, इसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं ये भाजी का। और हेल्दी भी है, रागी बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैं बच्चों को भी देती हूँ, अपने हस्बैंड को, सारे लोग हम लोग यही खाते हैं। ये प्लेट मैं अपनी बेटी के लिए सजाई हूँ ताकि उसको बहुत पसंद है, तो वो इसी तरह से खाना चाहती है। और बस दोस्तों आप लोग बनाएं खाएं, हमेशा हेल्दी रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, माई हेल्थ माई किचन।